साथ मेरा मशवरा यह है कि इस बच्चे को आप बाहर किसी सबील पर भेज दीजिए और सबील के नाम का ऐलान कर दिया जाए कि फुला सबील पर है, इसलिए कि उसके पेरेंट्स आएंगे तो यहाँ तक उनका आना भी दुश्वार है। तो यहाँ हाल में इस बच्चे को न बिठाइए, आप इस बच्चे को बाहर सबील पर भिजवा दीजिए। और आप हजरात से ये गुजारिश है कि कल जो अपने बच्चे साथ लाइए तो उनके नाम और पता, उनका पेरेंट्स के नाम उनको पिन कर दीजिए, ताकि अगर वो कहीं पर कोई बच्चा खो जाए तो टेलीफोन नंबर अगर हो तो टेलीफोन नंबर तो उसी से फ़ौरन कांटेक्ट हो जाए। ये आप हजरात से गुजारिश है। दूसरी बात यह कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी और बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन का और बॉम्बे पुलिस का, जिन्होंने हमारे मुहर्रम के सिलसिले में बहुत बेहतर इंतजाम किए और रात और दिन मसरूफ़ रह के और रात और दिन थक के उन्होंने अदादारों को सहूलत फराहम की है। मैं इस सिलसिले में ख़ास तौर से उन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑफिसर्स का या और वो तमाम कर्मचारी जो इस सिलसिले में हैं और काम कर रहे हैं, मैं उन सबको बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि कानोदर एक मशहूर बस्ती है गुजरात में, यहाँ हुसैन टेकरी है, वहाँ के ऊपर 19, 20, 21, 22 फरवरी चार दिन सालाना मजलिसें होंगी। जो हजरात मजलिसों में शिरकत करना चाहें वहाँ तशरीफ ले जाएं। और दूसरी बात यह कि उसी कानोदर में हुसैन टेकरी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को वह सरनो बना रहे हैं और तामीर कर रहे हैं, और काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है वो, उसके अंदर आप हजरात के डोनेशन भी दरकार हैं। तो जो हजरात इस कार्य खैर में मदद करना चाहें उनसे गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में ज़रूर मदद करें, ये एक अजीम कार्य खैर होगा। एक गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि एक किताब लंदन से छपी है जिसके तफसीलात मुझे बताए गए हैं, और उस किताब की राइटर हैं अनीता राय, और वो किताब है, उसका उनवान है जिहाद एंड टेररिज्म। लिहाजा वो किताब जो हजरात अंग्रेज़ी जानते हैं और अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में है, उसको हासिल करें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, यकीनन उनके लिए किताब बहुत अच्छी होगी। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صلوات بيجنه محمد إرشاد اقدس پروردگار عالم ہے کیا انسانوں ہم نے تم کو مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا
और तुम्हारे अंदर शोबे और कबीले करार दिए, डिफरेंट सेक्ट्स एंड ट्राइब्स बनाए इसलिए कि तुम पहचाने जाओ, तुम्हारी पहचान बन सके। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता हो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला और हर चीज़ से बाखबर है। सिलसिले कलाम आपके जहन में होगा, हमारे आपके दरमियान 10 दिन तक इस्लाम और इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू होती रही और मैंने कोशिश की कि इस्लाम के मुख्तलिफ रुख जिससे वो इंसानियत की खिदमत करता है और इंसानियत को सहारा देता है वो आपके सामने पेश किए जाएं। आज यह आखिरी मजलिस है और इसमें मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि वो अजीम वाकया जिसकी याद हर साल आप मनाते हैं और जिसके सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाते हैं, इंसानियत के ऊपर रसूल के नवासे का सबसे बड़ा एहसान है। करबला इंसानियत पर एहसान अजीम है इसलिए कि जहाँ से इंसानियत की तारीख शुरू होती है वहीं से इंसानियत के खिलाफ मूवमेंट की तारीख भी शुरू होती है। हमारे मजहबी नुक्ते नज़र से मुसलमानों के नज़दीक हज़रत आदम के ज़रिए इंसानियत की तारीख शुरू होती है और जहाँ से इंसानियत की तारीख का आगाज़ होता है हज़रत आदम से वहीं हमको मजहबी किताबों में ये इत्तला भी मिलती है कि आदम के दो बेटे थे शुरू शुरू में, एक का नाम हाबील था एक का नाम काबील था। हाबील अच्छा इंसान था, नेक था, इंसानियत का दोस्त था। काबील बुरा इंसान था, खराब था, इंसानियत का दुश्मन था। किसी बात पर बिगड़ के उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और ये दुनिया में पहला कत्ल था जो हुआ और ज़मीन पर पहला खून नाहक था जो बहाया गया और यहाँ से इस तारीख की दागबेल पड़ गई कि इंसानों ही में शहीद भी होंगे और इंसानों ही में कातिल भी होंगे। कातिल भी इंसानों ही में मिलेंगे, शहीद भी इंसानों ही में मिलेंगे। अब ये आपके अपने पसंद के ऊपर है कि आप कातिलों का फेवर करते हैं कि शहीदों का। कभी कभी लोग बड़ा दिलचस्प सवाल भी कर लेते हैं कि साहब हम लोग हाबील की नस्ल से हैं कि काबील की नस्ल से, तो ये सवाल तो गैर गलत है इसलिए कि हम लोग ना हाबील की नस्ल से हैं ना काबील की नस्ल से हैं, बल्कि जनाब आदम को अल्लाह ने और औलादें दी थी और इंसान जो हैं वो दूसरी औलादों की नस्ल से हैं, ना हाबील के कोई औलाद हुई ना काबील के, लिहाजा ना हम हाबील की नस्ल से हैं ना काबील की नस्ल से, बल्कि हजरत आदम के और बेटे थे उनकी नस्ल से हैं। लेकिन अगर इसी बात पर जिद है कि यही बताइए कि हाबील की नस्ल से हैं या काबील की नस्ल से, तो मैं पहचान बता दूं, जो शहीदों के साथ हों वो हाबील की नस्ल से हैं, जो कातिलों सलावत भेज दें मोहम्मद।
عزیزان گرامی جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا وہیں سے لڑائی اور کشمکش کا بھی آغاز ہوا. یہ ہمارے مذہب کی ہسٹری ہے اور بہت سے دوسرے مذہب بھی اس ہسٹری میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. جیسے ہی آدم بنے ویسے ہی شیطان نے مخالفت شروع کی. سلسلہ آگے بڑھا تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جناب نوح اور جناب نوح کی امت والوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہا اور نیکی اور بدی کا مقابلہ ہوتا رہا. جناب ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم و نمرود کا مقابلہ ہوا اور ابراہیم نے اللہ کی راہ میں بڑا کارنامہ دکھایا کہ دہکتی ہوئی آگ میں محبت پروردگار میں کود گئے. جناب ابراہیم سے آگے بڑھی تاریخ, جناب موسیٰ کا زمانہ آیا تو جناب موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا اور اس عظیم طاغوتی طاقت سے ٹکر لے کے اور اس کو برباد کر کے حق کے پرچم کو بلند کیا. جناب موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا اور جناب عیسیٰ نے بھی انسانیت اور حق کے علم کو بلند کیا اور ظالموں اور دشمنان خدا کو زیر کیا. سرور کائنات کا زمانہ آیا اور آپ نے اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی سیرت سے, اپنے خلق عظیم سے دنیا کو اس طریقے سے قابو میں کر لیا کہ 23 برس کی مختصر سی تبلیغی زندگی میں وہ عظیم ذہنی و فکری انقلاب برپا کر دیا جو آج تک انسانوں کو روشنی دے رہا ہے اور صبح قیامت تک یہ آفتاب جو ہے یہ چمکتا رہے گا. سرور کائنات کا پیغام اگر اسی شکل میں رہتا جس شکل میں حضور چھوڑ کے گئے تھے تو 100 برس کی مدت بھی زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں 50-60 برس کے اندر ساری دنیا کو اپنے سائے میں لے لیتا, اور یہ ساری دنیا کو اپنے سائے میں لیتا تو یہ کسی ایک مذہب کا فائدہ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کا فائدہ تھا کہ انسانوں کے بیچ ایک ایسا سماج اور ایک ایسی سوسائٹی بن جائے جس میں ظالم و مظلوم نہ ہوں, جس میں قاتل و مقتول نہ ہوں, جس میں کوئی کسی کو ستانے والا اور کوئی کسی کو پریشان کرنے والا نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی رسول کے پیغام کو ملوکیت و سلطنت نے آن کے ہائی جیک کیا اور نام اسلام کا ہوا, کام بادشاہت کا ہوا. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو سب لوگ غور سے سنیں اور ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کریں کہ سرور کائنات کا یہ انسانی پیغام جس کا نام اسلام تھا, جو انسانوں کے درمیان ڈسکریمنیشن برداشت نہیں کرتا تھا, جو انسانوں کے درمیان ظلم کی اجازت نہیں دیتا تھا, جو انسانوں کے درمیان چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہیں کرتا تھا, جو انسانوں کے درمیان آقا اور غلام کی تفریق نہیں کرتا تھا, اگر یہ میسج اسی شان سے باقی رہتا تو دنیا کی شکل کچھ اور ہوتی. اور آپ ایک چھوٹی سی بات میری سوچئے اور اس پر دماغ لگائیے کہ ایک دوا جو ہم کو 4 دن میں اچھا کر دے, وہی دوا دوسری جگہ ہم 4 برس سے پی رہے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے, کل دوا نے ہمیں 4 دن میں اچھا کر دیا تھا, ہمارا بخار اتر گیا تھا, ہماری تکلیفیں دور ہو گئی تھیں, آج 4 برس سے ہم دوا پی رہے ہیں فائدہ نہیں ہوتا. تو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دوا پینے میں کوئی قصور ہے یا دوا کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ اصلی دوا نہیں مل رہی ہے اس لیے نقصان ہو رہا ہے. یہ سوچنے کے قابل بات ہے یا نہیں؟ اسلام انسانیت کی دوا تھا, اسلام بیمار انسانیت کی دوا تھا. یہ دوا دی گئی عرب میں انسانوں کو اور اس دوا نے اتنا تیز فائدہ کیا کہ 23 برس کے اندر عرب کا پورا پیناسولا, پورا جزیرہ نما
उस पैगाम के अंदर शामिल हो गया। और वो लोग जो 40-40 बरस एक दूसरे के खिलाफ तलवारें चलाया करते थे मामूली मामूली बातों पर, एक दूसरे के मुहाफिज बन गए। वो जो जंग में एक दूसरे के सामने खंजर लिए खड़े रहते थे, जमात की सफों में इस तरह शीलो शकर हो गए कि एक का सर है तो दूसरे का पैर है। वो लोग एक दूसरे के जो कातिल थे मुहाफिज बन गए, एक दूसरे के जो दुश्मन थे दोस्त बन गए, एक दूसरे के जो खून के प्यासे थे उनके मददगार बन के सामने आए। तो जिस दवा ने 23 बरस में पूरे अरब को अच्छा कर लिया था, क्या राज है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमतों ने 900 साल इख्तदार संभाले रखा मगर पूरा हिंदुस्तान अच्छा ना हुआ? रसूल के पास न हुकूमत थी, न बादशाहत थी, न ताज था, न तख्त था। कसमापुरसी के आलम ने 23 साल में उन्होंने अरब को बदल दिया। ताजो तख्त वाले, मुल्को माल वाले 900 बरस में हिंदुस्तान के मसले को न हल कर पाए। आप सोचिए तो गौर समझ में आएगी बात कि जिस शय ने बदल दिया वो मजहब था, जो न बदल पाई वो हुकूमत थी। और हमारा रसूल ने इस्लाम के पैगाम को पेश किया, अल्लाह के मैसेज को पेश किया, और कुछ अल्लाह के अच्छे बंदों ने रसूल का साथ दिया और ये मैसेज आम होने लगा। और उसी आलम में कुछ लोग वो भी थे जो रसूल की मुखालिफत करते थे, जो कांटे बिछाते थे, जो पत्थर फेंकते थे, जो साहिर कहते थे यानी जादूगर, जो मजनून कहते थे यानी माजल्ला पागल दीवाना, समझे आप, और रास्ते में चलते हुए पत्थर मारते थे, सताते थे, मुखालिफत करते थे। लेकिन इस्लाम का मिशन इन मुखालिफतों के बावजूद आगे बढ़ता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। गौर तलब बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि आज तक दुनिया इस पॉइंट पर गौर क्यों नहीं करती कि जब रसूल दुनिया से चले गए तो वो रसूल जो मजहब लेके आए थे, जिन्होंने दीन पहुंचाया था, उनका नवासा तो इस काबिल हो गया कि कत्ल किया जाए, और वो शख्स जिसने जिंदगी भर रसूल की मुखालिफत की थी उसका पोता इस काबिल हो गया कि इस्लाम का मुहाफिज बनाया जाए। दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसके अंदर राज क्या। जब इस्लाम ने लोगों को यूनाइट कर दिया, जब मजहब ने बिखरी हुई ताकतों को एक कर दिया, तो मुलुकियत के तसव्वुर जिनके दिमागों में थे उन्होंने इंसानों के दिमागों को बदल के और ब्रेन वॉशिंग करके मजहब के अंदर मुलुकियत की दाग बेल डाली और मजहब के अंदर सल्तनत की दाग बेल डाली। नतीजा ये हुआ कि जब दौलत बटने लगी, जब सोना लुटने लगा, जब चांदी मिलने लगी, जब दिरहम और दीनार खनकने लगे, तो खटाखट ईमान बिकने लगे, अकीदों के सौदे होने लगे, मजहब बदलने लगे, नजरियात तब्दील होने लगे। और ये सब बहुत जल्दी हुआ रसूल के बाद, बहुत जल्दी हुआ रसूल के बाद। ऐसे आलम में जब अक्सरियत का ईमान बिक गया था और लोग सोने की चमक पर और सिक्कों की खनक पर अपने अकीदे बेच चुके थे, तो जिससे कहा जाता कि तुम अपना अकीदा बेच चुके हो वही लड़ने पर तैयार हो जाता,
आइंदा ऐसी बदतमीजी न कीजिएगा मुझसे, मैं ये बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। आपने बेचा होगा अपना अकीदा, मैं खरा मुसलमान हूँ। कौन होते हैं आप मेरे इस्लाम में शक करने वाले? अंदर अंदर काम चल रहा है ताबूतियत का, ऊपर ऊपर नकाब पड़ी है इस्लाम की। लिहाजा जरूरत इस बात की थी कि खुले मैदान में एक ऐसा मुकाबला हो जाए जिसमें ये तय हो जाए कि मजहब क्या है, हुकूमत क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया में कोई ना था योट के खड़ा होता। चंद वजह थी, एक तो जो सामने आए मुलुकियत के उसका कद इतना बुलंद हो कि शहनशाहियत उसके सामने बौनी लगे, दूसरे उसका आदम इतना पुख्ता हो कि फौजें उसे बदल ना सकें, लश्कर उसे तब्दील ना कर सकें, खजाने उसको खरीद ना सकें, तलवारें उसको डरा ना सकें। पूरे आलम इस्लाम में रसूल के नमाते से बुलंद कामत कौन था? रसूल के नमाते से ज्यादा साहिब अज़्म हौसला कौन था जिसने ज़बाने मोहम्मद चूसी थी? उससे ज्यादा अल्लाह का प्यारा कौन था? लिहाजा हुसैन ही थे जो इस्लाम को बचाने के लिए उठे। और अज़ीज़ाने गिरामी, इस तरह उठे कि आपने करबला को हर एंगल से सुना होगा। आज मैं चाहता हूं कि मैंने 10 दिन जो तकरीरें की हैं उस एंगल से भी करबला को सुना दूं कि हुसैन ने करबला में जिहाद को किया मगर इंसानियत के जिस्म पर हल्की सी खराश भी ना आने दी, हल्की सी खराश भी ना आने दी। अब आप सुनिए कैसे, वो अलग बात है कि मदीना हरम था, हुसैन मदीने में नहीं लड़े। वो अलग बात है कि मक्का हरम था, हुसैन मक्के में नहीं लड़े। लेकिन इस एंगल से भी कभी सोचिए कि मदीने पर हुसैन ने एहसान किया कि यजीद की जालिम फौजें अगर हुसैन से लड़ने मदीने में दाखिल होती तो मदीने के बेगुनाहों को नुकसान पहुंचता। हुसैन मदीने से निकल गए ताकि मदीने के बासियों को नुकसान न पहुंचे। हज के जमाने में हुसैन अगर मक्के में शहीद होते और मक्के में इनकलाब पैदा होता और तलवारें खींचती तो कतई नजर इसके कि जमीन हरम की हुरमत बाया होती और उसका एहतराम कम होता, सैकड़ों बेगुनाह भी मारे जाते। लिहाजा हुसैन ने हाजियों की भीड़ पर एहसान किया जो मक्का छोड़ के चले गए। रास्ते में किसी आबादी में लड़ना पसंद नहीं किया वरना वो आबादी बर्बाद हो जाती। वीराना मुंतखब किया ताकि लड़ाई में वही इन्वॉल्व रहे जो लड़ना चाहते हैं, गैर आदमी इन्वॉल्व ना हो। और उसके बाद जगह जगह इंसानियत के चराग जलाते चले गए। दुश्मन का प्यासा लश्कर मिला तो बावजूद इसके कि प्यासे दुश्मन को जेर कर लेना आसान था, बजाय इसके कि हुसैन दुश्मन की प्यास से फायदा उठाते हुए उसको तेज तलवारों की धार पर रख लेते, उन्होंने अपने हिस्से का सारा पानी रेगिस्तान में दुश्मन को पिला दिया और सुबह कयामत तक के लिए इंसानियत के ऊपर एक एहसान किया कि देखो इस्लाम वो मजहब है कि जो दुश्मन को पानी पिलाता है, दुश्मन को कत्ल नहीं करता। अज़ीज़ाने गिरामी, करबला के मैदान में यजीद के चेहरे से इस्लाम की नकाब नोच के हुसैन इब्ने अली ने
दुनिया को ये दिखा दिया कि मजहब क्या है और दहशतगर्दी क्या है। क्या उससे बढ़ के कोई दहशतगर्द होगा जो 3 दिन के प्यासे बच्चे के गले पर तीर मार दे? और हुसैन ने कुर्बानी दे के एक मेयार कायम कर दिया कि हुसैन का चाहने वाला कौन है, यजीद का चाहने वाला कौन है। दहशतगर्दी जहां हो काबिल मजम्मत है, टेररिज्म जहां हो काबिल नफरत है। अगर बंबई की जमीन पर कुछ दहशतगर्द बेगुनाहों का खून बहाएं तो वो काबिल मजम्मत हैं। अगर गाजा की जमीन पर कुछ बेगुनाहों का खून बहाया जाए तो वो काबिल मजम्मत है। ये सारी दुनिया कहेगी हाँ, आज एक आवाज मुखालिफत में नहीं आएगी अगर आप उस दहशतगर्दी को कंडम करें जो बंबई में हुई। हर एक कहेगा सही। अगर आज आप उस दहशतगर्दी को कंडम करें जो गाजा में हुई, हर एक कहेगा सही। लेकिन एक कसौटी है इसकी कि आपका ये कंडमनेशन पॉलिटिकल है कि वाकई आज से 1400 बरस पहले की दहशतगर्दी अगर आप कंडम कर रहे हैं तब तो आप दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं। और अगर आज से 1400 बरस पहले की दहशतगर्दी को ये कह के आप टाले देते हैं कि हम इख्तिलाफ में नहीं पड़ते, हम झगड़े की बातों में नहीं पड़ते, तो अजीजाने गिरामी फिर हर मसला झगड़ा ही का बन जाएगा और इस तरीके से दहशतगर्दों की हिम्मत अफजाई होगी, मजलूमों की नहीं होगी। करबला मेयार है जहां नबी के नवासे ने मुलुकियत और मजहब को अलग अलग किया। और ये भी अजीब और गरीब बात है कि हुसैन ने लड़ाई में ताकत इस्तेमाल नहीं की बल्कि लड़ाई में किरदार इस्तेमाल किया। दुनिया की हर लड़ाई अलग है, करबला की लड़ाई अलग है। दुनिया की लड़ाइयों में लश्कर बुलाए जाते हैं, करबला की लड़ाई में लश्कर हटाए जा रहे थे। दुनिया की लड़ाई में लोग रोके जाते हैं, करबला की लड़ाई में कहा जा रहा था चले जाओ। दुनिया की लड़ाइयों में असलहे का इंतजाम होता है, करबला की लड़ाई में साहेब किरदार जमा किए जा रहे थे। हे हुसैन, ये आप क्या कर रहे हैं? कहा तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। बात यह है कि मैं एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं जिसका असर दिलों पर सुबह कयामत तक रहे। लड़ाई जब ताकत की बुनियाद पर लड़ी जाती है तो जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। 4 दिन वाहवा होती है फिर लोग भूल जाते हैं, फिर लड़ाई तारीख का वर्क बन जाती है, फिर कोई उसको ढूंढता है तो मिलती है वरना नहीं मिलती। दुनिया की वाहिद जिंदा लड़ाई करबला की लड़ाई है जो हर साल लड़ी जाती है। ये मजमा नहीं बैठा है, ये हुसैन का लश्कर बैठा है हक को सिदाकत की तारीफ करने के लिए। ये अकेली लड़ाई है दुनिया की। अकेली लड़ाई है दुनिया की जो हर साल लड़ी जाती है।
और अजीजान गिरामी इसका असर इसलिए है, इसका असर इसलिए है कि हुसैन ने करबला की लड़ाई, क्या आप समझते हैं करबला की जमीन पर लड़ी? हुसैन ने करबला की लड़ाई करबला की जमीन पर नहीं लड़ी, हुसैन ने करबला की लड़ाई दिल की जमीन पर लड़ी। जब तक इंसान के सीने में दिल हरकत करेगा, करबला जहनों को याद रहेगी। क्या थी करबला? मैं अपने बच्चों को सुना दूं आज इस आखिरी तकरीर में कि करबला क्या थी और क्यों थी। हुसैन रसूल के नवासे थे, अली और फातिमा के बेटे थे, बनस्ब कुरानी और बैरशादी आया मुबाहला फरजंदे रसूल, रसूल की गोद में पले थे, रसूल की जबान चूस के बड़े हुए थे। हुसैन इस्लाम के मुहाफिज थे, दीन के बचाने वाले थे। जब उन्होंने ये देखा कि उनके नाना का दीन मुलुकियत और सल्तनत के हाथों में कैद हो गया है, तो वो उठे एक ऐसी यादगार कायम करने के लिए जो सुबह कयामत तक के लिए इंसानों को रास्ता बताती रहे। और मजहब की पॉलिसी भी यही है कि रास्ता दिखा दिया जाए, जबरदस्ती घसीट के ले जाना मजहब की पॉलिसी नहीं है। कुरान पाक में इरशाद है कि ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यना अर्रुश्द मिन अल-गय। दीन में जबर नहीं है, हिदायत को गुमराही से अलग करके बता दिया गया है। तो हुसैन का मकसद भी यही था कि हिदायत का एक ऐसा परचम नस्ब हो जाए कि जो सुबह क़यामत तक के लिए दुनिया को इशारा करता रहे कि हिदायत का रास्ता क्या है। अब सुनिए आप, यजीद जब तख्ते इख्तदार पर बैठ गया और जो लोग उसके हाथों बिक गए थे और जिनके ईमान उसकी दौलत ने खरीद लिए थे, उन्होंने उसको अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन का खिताब दे दिया और वो अपने ताकत के ज़ोम में अपनी हुकूमत के फैलाव को देख के अपने खरीदे हुए आदमियों के बलबूते पर हुसैन से इस्लामी क़यादत पर अपनी मोहर लगवाना चाहता था। देखिए करबला का चक्कर है क्या, ये सब लोग सुन लें, जो जो नहीं समझते हैं वो सुन लें कि लड़ाई है क्या। यजीद बादशाह था, मजहबी रहबर नहीं था। अगर वो सिर्फ अपने को बादशाह कहता होता और ये ऐलान करता कि मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो शायद हमारे जज्बात उसके खिलाफ इतने न होते। इसलिए कि बादशाह अपने कैरेक्टर के खुद जिम्मेदार होते हैं, मजहब इन्वॉल्व नहीं होता। वो अपनी बदकिरदारी का जस्टिफिकेशन इस्लाम के अंदर चाहता था, यानी ये चाहता था कि बैनर इस्लाम का रहे, निजाम कुफर का रहे, बैनर इस्लाम का रहे, निजाम जाहिलियत का रहे, बैनर इस्लाम का रहे, निजाम दुश्मनान मोहम्मद का रहे। हुसैन ने कहा ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा कि नाम मेरे नाना का रहे, किरदार तेरे दादा का रहे। सुनिए
उसमें ताकत के नशे में चूर हो गए, अपने इख्तदार के फैलाव को देख के, अपनी दौलत का अंदाजा लगा के, हुसैन की ताकत का या हक की ताकत का या इस्लाम की ताकत का गलत अंदाजा लगाया, उससे गलती हुई और उसने हुसैन से बैत मांगी। बैत क्या चीज है? बच्चे मुहर्रम की मजलिसों में छोटे से दिन से लफ्ज बैत सुनते आए हैं। मैं उर्दू में उसको एक्सप्लेन करूं, इस्लाम पूरा अरबी में है, लिहाजा इस्लाम की जितने लफ्ज हैं और जितनी टर्मिनोलॉजी है वो सब अरबी में है। हमारी जबान उर्दू है, हिंदी है, गुजराती है, मतलब अरबी नहीं है, तो बात बात समझने में दुश्वारी होती है। बयात क्या है? ये लफ्ज बना है बय से, बय के माने होते हैं अरबी में बेचने के। उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जब कोई सेल डीड वगैरह लिखी जाती है तो उसको बैनामा भी कहते हैं। अपनी तरफ यूपी वगैरह में तो रवाज है, पता नहीं यहाँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बैनामा यानी सेल डीड। तो बाय कहते हैं बेचने को। यजीद ने ताकत के नशे में चूर होके उन हुसैन से, जो अपने नाना के दीन के मुहाफिज बने हुए, अपने नाना की मस्जिद में के गोशे में बैठे इबादत कर रहे थे, उनसे डिमांड की कि हुसैन अब तुम अपने को मेरे हाथ बेच डालो। बयात कर लो, यानी उर्दू में अगर हम इसको कहेंगे तो यूं कहेंगे कि यजीद ने हुसैन को ये मैसेज भेजा कि हुसैन तुम मेरे हाथ अपने को बेच लो। सवाल ये पैदा होता है कि लोग लिखते हैं सारे आलम इस्लाम ने यजीद की बयात कर ली थी, तो जब सारे आलम इस्लाम ने यजीद की बयत कर ली थी तो एक हुसैन बयत करें या न करें? अरे भाई, कोई सियासी पार्टी हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन में पूरी सीटें जीत ले तो बंबई की एक पार्लियामेंट्री सीट अगर हार गई वो तो परेशानी क्या है भाई? क्या सारी सीटें जीत ली जितनी थी, एक सीट हार गए तो जमहूरियत का असर क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट बनने में फर्क क्या पड़ेगा? एक सीट जीती तो क्या, हारी तो क्या? जो लोग अहले बैत दुश्मनी में इस्लाम में जमहूरियत का ढिंढोरा पीसते हैं, वो बताएं कि अगर यजीद जमहूरी खलीफा था और सारे मुसलमानों ने उसकी बयत कर ली थी तो उसको तो चाहिए था हुसैन को एहतराम से रखता, इसलिए कि जमहूरियत बगैर अपोजिशन के पनपती नहीं। भाई जमहूरियत तो बगैर अपोजिशन के जिंदा नहीं रहती, तो अगर एक आदमी अपोजिशन में था तो उसके लिए तो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए थी। ये सही है कि मुल्कों ने यजीद की बयत कर ली थी और शहरों शहरों ने यजीद की बयत कर ली, लेकिन यजीद ये कह रहा था हुसैन मेरी बयत करें, यानी हुसैन अपने को मेरे हाथ बेचें। समझ गया बयात का मतलब? मैं इसीलिए स्लो पढ़ रहा हूं कि बच्चों की समझ में आ जाए जल्दी। यजीद का ये डिमांड थी कि हुसैन अपने को मेरे हाथ बेचें। अज़ीज़ाने गिरामी, एक बात तो ये कि जब सबने बयात कर ली तो हुसैन ने की तो क्या और न की तो क्या, एक बात। दूसरी बात
हम सुबह शाम तक सौदे खरीदते हैं, तो खरीदार जो होता है वो जरा झल्ला होता है, और दुकानदार जो होता है वो बाखलाक होता है। देखिए सौदा खरीदने का तजुर्बा कोई ऐसा नहीं जो कहे मुझे तो है नहीं। कपड़ा खरीदने का है, ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, वो बाखलाक है, उसने दस्तान उठा के रख दिए, हमें पसंद ही नहीं आ रहा है। तो मतलब खरीदार का मिजाज जरा सख्त होता है और बेचने वाले का मिजाज जरा नर्म होता है, दुकानदार बाखलाक होता है। और अगर दुकानदार बद मिजाज हो और हम गए दुकान पर, उनका हम तुम्हारे हाथ नहीं बेचेंगे, उनका न बेचो, दूसरी दुकानें हम खरीद लेंगे। भाई एक दुकान थोड़ी है, मार्केट में 10 दुकानें हैं। अब हमारा कपड़ा नहीं बेचना चाहते, हमें काली शेरवानी चाहिए, आप काला कपड़ा हमारा नहीं बेचना चाहते, न बेची, हम इनके यहाँ से खरीद लेते। लेकिन अगर खरीदार जिद करे कि यहीं से लूंगा, तो इसका मतलब मार्केट में कोई दुकान ऐसी है कि जहां जो माल है कहीं है ही नहीं। बस सोचिए कि है ही नहीं, तो यह भी काबिल गौर बात है कि यजीद इसरार क्यों कर रहा है। अरे अब भी दुनिया हुसैन को नहीं पहचानी, जिस यजीद की सारे आलम इस्लाम ने बयत कर ली थी, वो जिद कर रहा है कि हुसैन जब तक मेरी बयत नहीं करेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसका मतलब यह है कि आयरों गैरों की छोड़िए, खुद यजीद पूरे आलम इस्लाम से ज्यादा वजनी तोल रहा है हुसैन को। कहा हुसैन से बयत लो, हुसैन ने कहा मैं तो बयत करूंगा नहीं, मैं तो बयत करूंगा नहीं। सवाल ये, हुसैन के पास ऐसी कौन सी दौलत थी जो उन्होंने कहा मैं नहीं बेचूंगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई खरीदार दबाव डाल रहा है, प्रेशर बना रहा है, आप कहते मैं नहीं बेचूंगा, तो ऐसी कौन सी दौलत है जो आप नहीं बेचेंगे। तो आप जरा हुसैन को सोचिए कि हुसैन कितनी बड़ी तिरापट्टी के मालिक थे जो यजीद खरीदना चाहता था। अब आप सुनेंगे कि हुसैन के पास क्या क्या था। आदम का इल्म था, नूह का आज़म था, इब्राहिम की खुल्लत थी, मूसा की हैबत थी, ईसा का ज़ोहद था, मोहम्मद का जमाल था, अली का जलाल था, सैयदा की इस्मत थी, हसन का खुल्क था, कुरान की सिदाकत थी, काबे की अजमत थी, इस्लाम की जलालत थी। इतनी तिरापट्टी हुसैन के साथ थी, चंद दिन की जिंदगी के बस खरीदना चाहता था हुसैन, बेचते भला का मेरा इतना बड़ा शहंशाह बेचता नहीं, किसी को खरीद लो। हमें ऑर्डर दिया यजीद को खरीद लो, ए मौला इस गंदे को आप खरीद के क्या कीजिएगा, कहेगा हम थोड़ी छुएंगे तुम्हारे हवाले कर देंगे, ते हम तक मुंह दिखाते रहना, ये आयत है।
कहा बयात करो। मैंने कहा हम नहीं बयात करते हैं, क्योंकि हम बयात नहीं करेंगे, गलत, हमारा माल बिकाऊ नहीं है, हम दीन को मुलुकियत के हाथ नहीं बेचेंगे, हम मजहब को सल्तनत के हाथ नहीं बेचेंगे, हम अमन को दहशतगर्दी के हाथ नहीं बेचेंगे। कुछ हो जाए हम नहीं बेचेंगे। उसको वो खा गया बड़ा जबरदस्त धोखा, और उसने अपने को भी बर्बाद किया, अपने पहले वालों को भी बर्बाद किया, अपने बाद वालों को भी बर्बाद किया। समझे आप क्या मामला है? जब हुसैन ने फाइनली कह दिया हम नहीं करेंगे बयात, नहीं होगी बयात, कोई सवाल ही नहीं, उसको ताकत का था नशा, उसने काम कर दें काट लेंगे, हम गर्दन काट लेंगे। वो जाहिल तो था ही, वो यह समझा कि जिसकी गर्दन काट ली जाए वो मर जाता है। वो जाहिल तो था ही, वो यह समझा कि यही समझता था कि जिसकी गर्दन काट ली जाए वो मर जाता है। वो ये नहीं जानता था कि कत्ल और है, मौत और है। कत्ल है जालिम के अख्तियार में, मौत है खुदा के अख्तियार में। उसने गर्दन काट ली, खुदा ने मौत नहीं भेजी, कटे सर से नए वह कुरान पढ़ रहे हैं। देखा आपने? और दूसरी बात, वहां एक पीनाने नफ्स में कोई फर्क ही नहीं, लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं, फौजों पर फौजें आ रही हैं, असलहे पर असलहे आ रहे हैं, यहां कोई असर ही नहीं। दुनिया हैरान है, आज तक हैरान है, हुसैन ताकत क्यों नहीं ले गए, हुसैन कुव्वत क्यों नहीं ले गए, हुसैन लश्कर क्यों नहीं ले गए, हुसैन को हुकूमत थोड़ी लेना थी, हुसैन को हुकूमत थोड़ी लेना थी, उनको कुछ चाहिए तो नहीं था, उनको तो यह था कि हम बयत नहीं करेंगे। अब यजीद की शिकस्त यकीनी थी, यजीद की हार में कोई डाउट नहीं था। लोग धोखा खाते हैं, जा मेरी आवाज जा रही है, गौर से सुनिए, ना समझ इंसान यह समझता है कि जो जिंदा रह गया वो जीत गया और जो मर गया वो हार गया। ना किसी डिक्शनरी में जीत के मानों में जिंदगी लिखी है, ना किसी डिक्शनरी में हार के मानों में मौत लिखी। जब दो ताकतें लड़ती हैं तो किसी तीसरी शय पर लड़ाई होती है, वो शय जिसको मिल जाए वो जीता, वो शय जो न पाए वो हारा। हुसैन और यजीद के बीच में लड़ाई का इशू ये नहीं था कि हुसैन कहते थे मैं जिंदा रहूंगा, यजीद कहता था मैं मार डालूंगा, जिंदगी और मौत नहीं था इशू, इशू था बयत, अगर यजीद को मिल गई तो जीता, नहीं मिली तो हारा। समझे आप? हारा। क्यों हारा? इसलिए कि मकसद में हारा। अब हारा तो शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा हुआ तो उसने ताकत इस्तेमाल करके कत्ल किया।
सोचा कि इससे मसला खत्म हो जाएगा, वहां मसला और उलझ गया। इसलिए कि शहीद राह खुदा रहता है जिंदा। अब यजीद के मरे को हो गए लगभग 1400 बरस, हुसैन आज तक जिंदा है। नतीजा यह है कि हर साल जिंदा का मुहर्रम मनाया जाता है, मुर्दा का मानने वाला मुंह छिपाए घूमता है। हुसैन ने न बैत की, न हुसैन के किसी साथी ने बैत की, न हुसैन के किसी 3 दिन के प्यासे बच्चे ने कहा कि मौला हम बैत कर लें तो क्या पानी मिल जाएगा। यह मसला, यजीद अपनी ताकत लिए अपना मुंह देखता रहा और उसवा होता रहा। हुसैन कामयाब हो गए, कामयाब हो गए, और कामयाबी ऐसी मिली कि दुनिया में हर एक की कामयाबी का जिक्र 1 मरतबा होता है। फतेह हुसैनी का जिक्र बशक्ल मुहर्रम हर साल हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हर साल दुनिया के इंसान समझ सकें कि हक क्या है और बातिल क्या है, इस्लाम क्या है और बादशाहत क्या है। इस्लाम 2 हैं, ये मुसलमान भी जान लें और ये नॉन मुस्लिम भी सुन लें कि इस्लाम 2 हैं। एक इस्लाम वो है जिसको हुसैन रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इस्लाम वो है जिसको यजीद रिप्रेजेंट करता है। हुसैन वाला इस्लाम रिलीजियस इस्लाम है, यजीद वाला इस्लाम पॉलिटिकल इस्लाम है। जितने इंसानियत के दोस्त मिलेंगे वो हुसैनी इस्लाम में मिलेंगे, जितने दहशतगर्द मिलेंगे वो यजीदी इस्लाम में मिलेंगे। नामे हुसैन के ऊपर हर साल जो लोगों को बुलाते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हमारे आजादार आते हैं, हमारे मातम करने वाले आते हैं, लेकिन हुसैन के इतने बड़े वादे हैं शहादत के बाद भी, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं सुनिए इसको, और जहां जहां मेरी आवाज जाए वो सब इसको नोट करें कि हुसैन की शहादत हुई 61 हिजरी में, और 4th इमाम से लेकर 12th इमाम तक सन 260 हिजरी तक इमामत हमारी नजरों के सामने रही। इसका मतलब शहादत हुसैन के 200 बरस बाद तक इमामत हमारे सामने रही। लेकिन चूंकि इस्लाम में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इमामों ने शहादत हुसैन से मुतासिर कौम के लोगों को ये तालीम नहीं दी कि तुम सुसाइड बॉम्बर बन के लोगों को उड़ा दो। समझ लीजिए इस बात को, वरना हर जमाने में ये बात मुमकिन थी। बल्कि वो हमको ये तालीम देते रहे कि मजलिसे हुसैन करो और हुसैन पर रो। देखिए जहां जहां मेरी आवाज आ रही है बस तवज्जो सुनिए, इसलिए कि आप जिंदगी रही तो आइंदा साल मुलाकात होगी।
कि हमको बजाय इसके कि वो कहते मत डालो इनको, तुम भी मर जाओ, उड़ जाओ, इनको भी उड़ा दो। ये तालीम नहीं दी इमामों ने, इसका मतलब ये तालीम इस्लामी नहीं है। जब ही इमामों ने ये तालीम नहीं दी, तालीम क्या दी? मेरे जद को याद करो, करबला को याद करो, मसाहिब हुसैन याद करो, मजलिस करो, बैठ कर रो। इसकी फिलासफी सुन लें बच्चे, इसलिए का जमाना बड़ा खराब लगा है। दे समझे बूझे लोग कमेंट किया करते हैं, बगैर दिमाग अप्लाई किए जिसकी जो मुंह में आता है पढ़ देता है। कोई गिरिये के खिलाफ, कोई मातम के खिलाफ, कोई तबर्रुकात अज़ा के खिलाफ, हर एक अपने अपने लिए खड़ा है। उसी लाइन पर रहिए जो इमामों ने मुअय्यन किए। आप उस लाइन से हटे हो गए। हमको ये तालीम दी कि हमारे जद का जिक्र करो और रो। अब सुनिए, जिस कौम पर ऐसी मुसीबत पड़े जैसी हम पर करबला में पड़ी, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ाने गिरामी, जिस कौम पर ऐसी मुसीबत पड़े जैसी हम पर करबला में पड़ी, तो दो खराबियों में से एक पैदा होना लाजमी है। या तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, या तो हम जिंदा रहने की आरजू खो बैठे, या तो हमारे दिमाग में ये ख्यालात डेवलप हों कि जब हुसैन का घर जल गया तो हम घर बना के क्या करें, जब हुसैन के बच्चे मार दिए गए तो हमारे बाल बच्चे होने से क्या, अरे जब हुसैन ही ना रहे तो अब क्या जिंदगी में क्या रखें। अगर हम मायूसी का शिकार हो जाएं, डिजेक्शन का शिकार हो जाएं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, तो 100 बरस के अंदर, 70-80 बरस के अंदर हम खुद ब खुद मर जाएंगे। इसलिए कि जिंदगी नाम है एक्टिव रहने का, जिंदगी नाम है हरकत का। अगर आप थक के बैठ रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम इस वाकये का रिएक्शन हम पर यह होता कि बस अब दुनिया से दिल हट गया शहादत से हुसैन, तो यह कौम 100 बरस के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। आइदर आर या ये रिएक्शन होता कि अच्छा हुसैन को मार डाला, किसी का भी घर हो जला दो, अच्छा अली असगर नहीं रहे, अब हमें गोद के बच्चों की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, फटाके फेंक दो दीवारों, वो मरते हैं मरने दो, हुसैन के जवान मार दिए गए, किसी का जवान मार दिया जाए, तड़पती है बुढ़िया माँ, तड़पने दो। अगर ये रिएक्शन हो जाता तो हम दहशतगर्द बन जाते और दुनिया के बड़े भयानक दहशतगर्द, तो अपने को भी मार डालते और दुनिया में बहुतेरों को मार डालते। अगर डिजेक्शन पैदा होता, डिप्रेशन पैदा होता तो खुद मर जाते। अगर रिवेंज का जज्बा उभरता तो दहशतगर्द बनते, खुद भी मरते दूसरों को भी मारते। इमामों ने जो मजलिसों की तालीम दी और रोने की तालीम दी, आप समझते हैं ये रोना क्या है? इन आंसुओं को आप कम कीमत ना समझिए। अब हर घर में प्रेशर कुकर है, अब हर घर में प्रेशर कुकर है, लेकिन उसके नीचे जब आग जलती है, जब स्ट्रीम बन जाती है, तो निकलने का एक रास्ता भी है। ये आप
अगर आप उसको बंद कर दीजिए और प्रेशर कुकर आग पर चढ़ा दीजिए तो आपका घर भी जाएगा, पड़ोसी का घर भी जाएगा। अब समझे आपके गिरिया पर हुसैन क्या है। जिक्र मसाइब हो रहे हैं, गर्मी बन रही है, ये आंसू जो बह रहे हैं ये आपको जिंदा भी रखे हैं, दहशतगर्द भी नहीं बनने देते। जो लोग मुंह चढ़ा कर करके कह देते हैं रोना मकसद मजलिस नहीं, रोना मकसद मजलिस नहीं, तो इमामों ने तालीम काहे के दी, हमको बताया क्या है। अब रह गया ये कि हमने ये देखा है कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के, बड़े लोगों के, मालदारों के बेटे, जिनको बगैर कमाए दौलत मिल जाती है और जो दौलत उड़ाते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं, तो उनको तमीज नहीं होती है कि ये नगीना कैसा है। वो हीरा 10 लाख का है, ये उसको 500 का आंक रहे हैं कि 500 मिल जाए। तो ये जहालत है आपकी कि आप 10 लाख के माल को 500 का अंदाजा लगा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी, ये आंसू जिन पर सैयदा की नजर है इनको कम कीमत न समझिए। ये मजलिस हुसैन, ये आजादारी, शब आशूर आ गई, ये आंसू आपकी जिंदगी की जमानत भी हैं। हुसैन के मिशन का तस्करा भी इन्हीं से है, शहीदों की याद भी इन्हीं से ताजा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुहर्रम भी उसी शान शौकत से हुआ। जिसका दिल चाहे इससे सबक ले, जिसका दिल चाहे इससे आन के सीखे, जिसका दिल चाहे हक़ व सिदाकत हुसैन के रास्ते से मालूम करे। हुसैन अपना भरा घर लेके करबला में आ गए। महबूब सब कुछ तेरी राह में कुर्बान, मेरे दोस्त भी कुर्बान, मेरे अजीज भी कुर्बान, मेरे रिश्तेदार भी कुर्बान, मेरे दिल के टुकड़े भी कुर्बान। आज आशूर की रात है, रुख्सत की रात है, अलविदा की रात है। सैयदा के लाल खुदा हाफिज, जिंदगी रही तो आइंदा साल फिर मुहर्रम करेंगे, और अगर जिंदगी की शमा इसी साल कुल होने वाली हो मौला, तो मौला कब्र में गुलाम को भूल न जाइएगा। अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कर दीजिएगा। आशूर की रात जिसके सवेरे ज़ैनब अली अकबर से बिछड़ गई, उम्मे फरवा कासिम से बिछड़ गई, सकीना रह गई हुसैन का सीना न रहा, गहवारा रह गया अली असगर चले गए, आशूर की रात गुजरी, 10वीं मुहर्रम का सवेरा हुआ, हुसैन के लश्कर में सवेरे की अज़ान हुई, इमाम आली मकाम ने तयम्मुम से 3 दिन के प्यासों को नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद लश्कर मुरतब हुआ।